यूपी ट्रिपल एस सी लोअर पीसीएस 1 अक्टूबर 2019 फर्स्ट शिफ्ट की आंसर की के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। पिछले वीडियो में मैंने 30 सितंबर 2019 के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराए थे, आंसर की प्रोवाइड कराई थी। अब आप देखिए 1 अक्टूबर 2019 के फर्स्ट शिफ्ट की आंसर की। सारे क्वेश्चंस मेमोरी बेस्ड हैं और उसके जो आंसर्स हैं वो आप अपने आंसर की से मिलान कीजिए और देखिए क्या स्थिति बनती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फिरोजाबाद एक जिला एक उत्पाद के क्रम में फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? तो फिरोजाबाद जो है वो कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, बैंगल्स के लिए प्रसिद्ध है। चमेरा बांध किस प्रदेश में है और किस नदी पर बना है? ये दो प्रश्न पूछे गए थे। तो चमेरा बांध जो है वो हिमाचल प्रदेश में है, चमेरा बांध जो है वो हिमाचल प्रदेश में है और नदी कौन सी है? रावी नदी पर बना है, रावी नदी पर बना है। सीढ़ियों से फिसलकर गिरकर किस मुगल बादशाह की मृत्यु हुई थी? हुमायूं के बारे में कहा जाता है कि वो सारी जिंदगी लुढ़कता रहा और लुढ़क करके ही उसकी मृत्यु हुई थी। तो सीढ़ियों से गिरकर जो मृत्यु हुई है वो हुई है हुमायूं की। टीपू की समाधि, पिछले पेपर में भी जो है टीपू सुल्तान के बारे में पूछा गया था। टीपू की समाधि कहाँ से 12 किलोमीटर दूर है? वह स्थान है मंड्या कर्नाटक में है और मंड्या से 12 किलोमीटर दूर है टीपू की समाधि। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कादंबरी के लेखक कौन है? कादंबरी के लेखक हैं बाणभट्ट, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, कादंबरी के लेखक हैं बाणभट्ट। प्रोटीन के कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो प्रोटीन के कमी से क्वाशीकोर रोग हो जाता है, क्वाशीकोर। संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं ये पूछा गया था प्रश्न। तो देखिए मूल जो संविधान है, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां हैं और 395 अनुच्छेद हैं और 22 भाग हैं। लेकिन प्रश्न तो खैर आपका यही था, लेकिन वर्तमान में जो हैं वह 12 अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूची हैं और 448 अनुच्छेद हैं और 25 भाग हैं। ये वर्तमान की स्थिति है, मूल में 8 अनुसूची थी। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसका जो टाइम पीरियड है वह है 1206 से 1210 ईस्वी। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान जो है वह इल्तुतमिश की बेटी थी। बंगाल विभाजन कब हुआ था ये प्रश्न है। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था और उसमें वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है?
ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका उत्तर है बिहार। आंध्र का पेट्रोलियम उत्पाद किस नदी बेसिन पर है? ये कृष्णा गोदावरी बेसिन पर है, कृष्णा गोदावरी बेसिन पर है। अगर आपके ऑप्शन में कृष्णा है तो दैट इज द करेक्ट आंसर। यूरोप में माउंट एल्ब्रुस ये कहाँ पर है? देखिए माउंट एल्ब्रुस जो है ये काकेशस पर्वत श्रेणी पर है, और ये जो काकेशस पर्वत श्रेणी में है ये है यूरोप और एशिया को अलग करती है, विभाजक रेखा है। और इस तरह से जो माउंट एल्ब्रुस है वो रूस में पड़ता है। जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है? जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान है 17.32%। चलिए आगे बढ़ते हैं। निशान इज्जुद्दीन, देखिए पिछले पेपर में पूछा गया था, संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा कौन सा सर्वोच्च सम्मान दिया गया था? इस बार पूछा गया है निशान इज्जुद्दीन किस देश का सर्वोच्च सम्मान है, जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। यह है देश है मालदीव। कंप्यूटर के जनक कौन है? कंप्यूटर के जनक हैं चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज। विंडो 10 का प्रीव्यू वर्जन कब रिलीज हुआ था? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, ये पूछा गया है। इसका उत्तर है 16 दिसंबर 2015। विंडोज 10 का जो प्रीव्यू वर्जन है ये 16 दिसंबर 2015 को रिलीज हुआ था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब लागू हुए थे? ये 1919 में लागू हुए थे। भौतिकी का 2018 का जो नोबल पुरस्कार है वो किसको दिया गया, ये नहीं पूछा है, ये पूछा गया किस क्षेत्र में दिया गया है, तो इसका उत्तर है लेजर फिजिक्स। लेजर फिजिक्स के क्षेत्र में दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में बाल लिंग अनुपात कितना है? तो ये आपको मैं बता रहा हूं, भारत में जो बाल लिंग अनुपात है वह है 919। भूटिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? भूटिया जनजाति जो है वह सिक्किम में पाई जाती है। रबर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? रबर का सर्वाधिक उत्पादन केरल में होता है। भारत का अक्षीय विस्तार कितना है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत का अक्षीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये प्रश्न पूछा गया था, मैं आपको इसके आगे भी बता देता हूँ। ये हुआ उत्तरी अक्षांश, और देशांतर कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ये भारत का विस्तार है। भारत के सुरक्षा सलाहकार कौन है? ये आपको मालूम होगा, इनको दोबारा जो है मौका दिया गया है, श्री अजीत डोभाल जी हैं ये भारत के सुरक्षा सलाहकार हैं वर्तमान में, और पूर्व में भी श्री अजीत डोभाल जी ही जो है भारत के सुरक्षा सलाहकार थे। चलिए आगे और क्वेश्चन देखते हैं। 26वां क्वेश्चन है कि खंभात की खाड़ी में कौन सी नदी नहीं गिरती है? तो मैं आपको बता दूं कि खंभात की खाड़ी में कौन कौन सी नदियां जो हैं वो गिरती हैं, तो इससे आपके ऑप्शन में जो नदी नहीं होगी वही इसका उत्तर होगा। तो
तो खंभात की खाड़ी में जो नदियां गिरने वाली हैं वो हैं नर्मदा, ताप्ती, माही और साबरमती। नर्मदा, ताप्ती या तापी भी कहते हैं, माही और साबरमती, ये चार नदियां जो हैं वो खंभात की खाड़ी में गिरती हैं। तो इसके अलावा अगर और कोई है तो वो नहीं गिरती हैं। काशी किस नदी के तट पर बसा है? ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, गंगा नदी। यूपी की जनसंख्या वृद्धि दर पूछी है, तो यूपी की जनसंख्या वृद्धि दर जो है वह है 20.23%। कुंभ मेला का आयोजन, यद्यपि ये अर्ध कुंभ था, इसका आयोजन हुआ है 12 जनवरी से 24 मार्च 2019 के बीच में। विधि के समक्ष समता किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है? यह है अनुच्छेद 14। भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। वर्तमान वित्त मंत्री कौन है? तो वो हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। राजस्थान के मुख्यमंत्री ये आप अच्छी तरह से जानते होंगे, श्री अशोक गहलोत जी। अशोक गहलोत जी। फानी तूफान कहाँ पर आया था? फानी तूफान जो है वह उड़ीसा में आया था। कोयना बांध कहाँ पर स्थित है? कोयना बांध जो है वो महाराष्ट्र पर, महाराष्ट्र में स्थित है, सांगली जिले में कोयना नदी पर। यूपी का स्थापना दिवस, यूपी का स्थापना दिवस है 24 जनवरी, क्योंकि यूपी का गठन 24 जनवरी 1950 में हुआ था। वार एंड पीस किसने लिखा है? ये लिखा है लियो टालस्टाय। 17वीं लोकसभा के स्पीकर कौन है? ये हैं श्री ओम बिड़ला जी। डेबिट कार्ड में कितने अंक होते हैं? डेबिट कार्ड में 16 अंक होते हैं। पानी में किस अशुद्धि के कारण कैंसर होता है? पानी में आर्सेनिक की कमी के अशुद्धि के कारण कैंसर होता है। भारत में सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन थे? वह थे श्री मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई। और इन्होंने कितनी बार जो है बजट पेश किया था? इन्होंने 10 बार जो है वो बजट पेश किया था, श्री मोरारजी देसाई। इन्होंने 10 बार जो है वो बजट पेश किया था। राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? राष्ट्रीय ध्वज जो है ये 22 जुलाई 1947 में अपनाया गया था। सिखों के पांचवें गुरु कौन थे? सिखों के पांचवें गुरु थे श्री अर्जुन देव। पहले गुरु थे श्री नानक देव और अंतिम गुरु थे श्री गुरु गोविंद सिंह, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। टाइम ट्रेल किस खेल से रिलेटेड है? ये साइकिलिंग से रिलेटेड है। 2018 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार यह किसे दिया गया है? 2018 का जो राजीव गांधी खेल पुरस्कार है, खेल रत्न पुरस्कार है, यह संयुक्त रूप से विराट कोहली और
मीराबाई चानू इनको दिया गया है। आपको ये बता दूं, मीराबाई चानू जो हैं वो 2018 में राष्ट्रमंडल में गोल्ड पदक विजेता हैं, और ये जो खेल रत्न पुरस्कार है ये 7.5 लाख रुपए का होता है। यूपी से एक प्रश्न पूछा गया था कि यूपी में बटेश्वर मेला कहाँ लगता है, तो यूपी में जो बटेश्वर मेला लगता है आगरा में लगता है। भारत जो है आईएमडी रैंकिंग 2018 में 18वें स्थान पे था और वर्तमान में 44वें स्थान पर है। मुस्लिम लीग के गठन की तिथि क्या है? मुस्लिम लीग का गठन ढाका में हुआ था 1906 में। गांधी जी किस तरह के व्यापार का विरोध करते थे? गांधी जी जो हैं वह तीव्र औद्योगिकरण का विरोध करते थे। उनका विचार था, उनकी सोच थी कि कुटीर उद्योगों से ही जो है देश की प्रगति हो सकती है, औद्योगिकरण से जो है देश की प्रगति नहीं हो सकती है। एक क्वेश्चन और पूछा गया है, ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछले पेपर में दूसरे तरह से पूछा गया था, इसमें दूसरे तो पूछा गया है कि दाब अनुपाते पास्कल तो विद्युत धारा अनुपाते क्या होगा? दाब की इकाई पास्कल है तो विद्युत धारा की इकाई क्या है? एम्पियर है। कुछ बच्चों के द्वारा बताया गया है कि कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो कि तीन प्रश्न ऐसे हैं जो कि रिपीट हुए हैं, वो हैं जायद सम्मान जो है, ये आपको मैंने बताया है कि UAE का सर्वोच्च सम्मान है जो कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, और सहारनपुर जो है वो लकड़ी की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है, फर्नीचर में नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका लाभ मिल सके। ओके, थैंक यू।